वेलकम टू द डायरेक्ट हिट एंड T20 वर्ल्ड कप अपने पूरे जोरों शोरों से चल रहा है और हम सबने सुना था कि फिलिप्स की लाइटें आती हैं, इंडिया में भी पाकिस्तान में भी आती हैं, और कल क्या हुआ कि फिलिप्स ने ही श्रीलंका की बत्ती गुल कर दी जिस हिसाब से इनिंग्स खेले हैं। और न्यूजीलैंड का लगता है किसी ने बोला कि या तो मैच ही मत खेलो, अगर जीतना है तो बहुत बड़ा जीतो, और श्रीलंका को लगता है किसी ने बोला कि देखिए थोड़ा जल्दी आ जाइए, आपको थोड़ा टाइम थोड़ा ही टाइम के लिए रुकना है, उनके बोर्डिंग पास पे लिखा हुआ है। जिस हिसाब का मैच हुआ है कंप्लीटली वन साइडेड अफेयर, रिजल्ट आपके सामने है, न्यूजीलैंड विन बाय 65 रन्स, कॉम्प्रिहेंसिव विन, एंड नाउ दे आर ऑन देयर वे टू अनदर सेमीफाइनल। वेरी क्वाइटली, किसी ने बात नहीं की न्यूजीलैंड की। मेरे साथ फिर से फहाद जुड़ चुके हैं। फहाद, वन साइडेड अफेयर बोलना वन साइडेड अफेयर टिल द पड़ेगा। 15th ओवर ऑफ द पहली इनिंग का 15वां ओवर। उसके बाद से जो फिलिप ने मारना शुरू किया है, और रुका ही नहीं। उसके बाद से श्रीलंका ने भी लाइक गेम में वापसी एक दफा भी नहीं की सवाए राजापक्षा के। हाँ नहीं, आप एक श्रीलंका एक अच्छी टीम है, अभी अभी फॉर्म से आ रही है, बात हो रही है, बट यार टीम में जब गिव अप कर जाती है ना तो तब दुख होता है। आपको लगता है श्रीलंका ने एकदम से गिव अप ही कर दिया था वो? युवा से ज्यादा मेरे ख्याल से जो शॉट्स उन्होंने खेले हैं टॉप 3 ने टॉप, क्योंकि बॉलिंग भी अगर देखो बॉल सऊदी ने नचाया है उनको, ठीक है ना, उनको पूरी तरह से एक सेटअप करके आउट किया। तो और जिस टीम को पता है कि वो सेटअप करके आउट कर रहे हैं, तो इसका मतलब स्टूपिड शॉट्स खेल के सारे आउट हुए हैं। ऐसे कोई इतनी जल्दबाजी की जरूरत नहीं थी। 167 वॉज मोर देन गेटेबल अ टीम लाइक श्रीलंका। बिल्कुल। और न्यूजीलैंड में से तो एक ही तारा चमका, और बाकी आप देखें न्यूजीलैंड की स्ट्रेंथ निकाल दी गई थी, टॉप 3 आ गए, आपका आधा काम हो गया। एलन इन फॉर्म आउट, कॉनवे इन फॉर्म आउट, विलियमसन को बहुत अच्छा बॉल डाला कसून राजीता ने। हालांकि मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि कसून राजीता एक ऐसे वाहिद बॉलर है जिनका रिकॉर्ड है T20 इंटरनेशनल में 4 ओवर में 75 रन खाने का, सबसे ज्यादा इनका रिकॉर्ड है। बट ओवरऑल चलिए स्टार्ट मिल गया था, 15 रन पे 3 आउट थे, और फिर फिलिप्स जी का मूड बना, और फिर जब मूड बना तो फिर इनका रुका ही नहीं। वैगन व्हील पे नजर डालते हैं फहाद, आई थिंक का मूड बेन बनने से ज्यादा श्रीलंका ने मूड बना दिया कैच ड्रॉप करके 12 पे और मूड 47। बना दिया, वो तो आउट होने की पूरी कोशिश कर रहा था। देखिए जब विकेट स्लो होता है फहाद, हमें पता है कि विद द टर्न ज्यादा बैट्समैन खेलने को देखता है, कई बार क्रॉस द लाइन चला जाता है, पर आप अगर दो हाईलाइटेड एरियाज पे नजर डालें, 21 रन लॉन्ग ऑफ रीजन में, 21 रन आपकी कवर रीजन में, तो क्या ये दर्शाता है कि उन्होंने ज्यादा सीधे बल्ले का इस्तेमाल किया है वर्सेस स्पिनर्स ऑन अ स्लो SCG पिच? हाँ बिल्कुल, उन्होंने सिचुएशन को असेस किया पूरी तरह से, और उन्होंने देखा कि श्रीलंका के जो स्पिनर्स हैं उन पे हावी होना चाह रहे हैं। पहले अगर आप पहले उनकी 20-25 बॉल्स देखें, इट द स्ट्राइक रेट 100 से भी या 100 104 115 था। तो उन्होंने जो भी सब कुछ किया है वो 25 गेंदों के बाद ही किया है। तो पूरा प्लान्ड इनिंग्स थी, वेरी गुड इनिंग्स, और उन्होंने पूरा ग्राउंड यूज किया। उनको पता है कि उनकी स्ट्रेंथ्स क्या है, कवर रीजन्स और लॉन्ग ऑफ पे उन्होंने पूरे मोस्ट ऑफ द रन बनाए। आई थिंक 42 रन वहीं से बन गए। तो मेरे ख्याल से गेम सेट था। 160 ऑन दिस पिच वाज मोर देन इनफ। हाँ, और प्रोडक्टिव शॉट इनका रहा, स्लॉग शॉट, और जो पीछे हट हट के इन्होंने सामने मारा है, विच इज नॉट नॉट एन इजी शॉट टू प्ले बैक फुट से, इतनी जो आप पावर जनरेट करते हैं, इट वाज अ मास्टरफुल इनिंग्स। और जो इन्होंने बैट रख के नीचे फिर रन लिया, वो इन्होंने जमैका डालावा से सीखा है, माँ उसेन बोल्ट है और योहान ब्लेक है, तो ये बिल्कुल कैरेक्टर है ग्लेन फिलिप्स। और आई थिंक आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा दूर नहीं है इनका, हम देख, एसआरएच में ना। सॉरी जी हाँ SRH में, सॉरी मेरी गलती लग गई यहाँ पे। और 104 रन इन्होंने किया, फिर न्यूजीलैंड ने बनाया 167, जो कि एक कंपेटिटिव टोटल था इस विकेट पे, बिकॉज ऑब्वियसली न्यूजीलैंड इट वाज प्रीटी बहुत अच्छा था। आइए थोड़ा श्रीलंका की गेंदबाजी पे देख लेते हैं फहाद। तिकसाना ओके ओके स्टफ था, ज्यादा कोई इम्प्रेसिव नहीं थे अकॉर्डिंग टू मी। और DDS ने बॉल की, जिनको कुट लगी है वो है चामिका करुणा रत्न और कुमारा, जो कि दर्शाता है कि अगर आप पेस देंगे इस पिच पे तो ऑब्वियसली यू विल गेट स्मैक्ड। ओवरऑल श्रीलंका बॉलिंग को कैसे असेस कर रहे हैं आप जो आज श्रीलंका उन्होंने? बॉलिंग इस मैच में इट वाज बिलो पार।
आई थिंक 8 ओवर के बाद जो बॉलिंग की है उन्होंने बहुत गंदी की है, जब पता है एक साइड बैट्समैन था, गंदी से ज्यादा मेरे ख्याल से फील्डिंग वाज द मेन रीजन। अगर आप कैच नहीं पकड़ते ग्लेन फील्ड जैसे प्लेयर को तो इतनी तो कुट लगनी है, अगर आप उसका कैच पकड़ लेते तो मेरे ख्याल से फिर सैंडनर आता है, नहीं फिनिशम आता है और सैंडनर आता है, वो कितना ही क्या ही कर लेते, कुछ मतलब कितने भी हिट लगा लेते, 12-13 फास्ट रन, फिर मेरे ख्याल से स्टोर 130-135 होता। तो आप कैचेस नहीं पकड़ोगे तो जाहिर बात है फिर आपको कुट लगेगी, और फिर बॉलर्स भी क्या ही कर सकते हैं, ऐसी ऐसे अच्छे प्लेयर के अगेंस्ट आपको एक दो तीन अच्छी बॉल्स मारनी होती हैं, वो मारी मगर वो पकड़ी नहीं गई, तो मेरे ख्याल से जब ही स्कोर काटना बुरा है, वरना इतना शायद बुरा नहीं होता। पकड़ो कैच जीतो मैच, एक बहुत पुरानी कहावत है और आज तक ये चलती आएगी। और अब आते हैं जी श्रीलंका की बैटिंग पे, यादें ताजा तो नहीं हुई, कड़वी याद ही थी, पर यार स्कोर बोर्ड पे ना वो 5-3 देख के और फिर ट्रेंट बोल्ट अंतिम सावधी थे, तो 2019 का याद आ गया, उड़ा दिया भाई, उड़ा के रख दिया, मतलब कख नहीं छोड़ा श्रीलंका के लिए। बोल्ट और सऊदी ने नचाया है ऑस्ट्रेलिया में, ये दोनों यार जब इतने लंबे अरसे से आप एक दूसरे के साथ खेले तो आज लिटरली पता होगा कि अगले ने क्या करना है और आप उसी हिसाब से बॉल डालते हो। तो पार्टनरशिप पे बताइए कुछ बोल्ट और सऊदी की, जो इतने सालों से न्यूजीलैंड को सर्व करते आ रहे हैं हर फॉर्मेट में। बहुत सालों से, मेरे ख्याल से 8+ ईयर्स से दोनों साथ खेल रहे हैं, और जब इनको स्विंग मिल जाती है तो फिर तो ये पूरे एक डिफरेंट बॉलर हो जाते हैं, इनकी स्ट्रेंथ ही इन स्विंग आउट स्विंग है। और जिस तरह सारे जो स्कोर कार्ड देखेंगे, ये सारा निशांका, कुशल मेंडिस, धनंजया, असलंका, ये सारे सेटअप होके आउट हुए। अगर तीन अंदर आती थी तो एक बाहर जाती थी, एक बाहर होके आउट हो जाता, तो अगर आप ऐसे आउट हो गए तो जाहिर बात है ऐसी स्कोर आपको मिलेंगे 0-4, 0-4, वरना क्योंकि अगर आप जब आपको पता है एक बंदा आ रहा है, आप तीन अंदर डाल रहा है फिर एक बाहर आनी है, इतना अंदर इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे हो तो आपको नहीं पता चलता कि अंदर आएगी बाहर आएगी, और फिर भी इतने सारे ये एक्सपीरियंस प्लेयर थे, सारा टॉप फोर है, इन्होंने मेरे ख्याल 15-20+ गेम्स खेले हैं आराम से, तो जब पता था 160 स्कोर है तो इनमें से मेरे ख्याल से एक भी रह जाता, असलंका या कुशल मेंडिस, इन चारों में से, तो मेरे ख्याल से आराम से तो नहीं मतलब 167 हो जाते, मगर इन्होंने पूरा सेटअप होके आउट हुए। और इनकी पार्टनरशिप जो है साउथ और बोल्टी की, शायद आज इनको रास आ गई और श्रीलंका को समझ नहीं आई कुछ, पर हमारा मतलब मेरे को हमेशा अच्छा लगता है जो हमारी मेरी फ्रेंचाइज के प्लेयर अच्छा करते हैं, तो उनमें से एक है भानुका राजापाक्सा, अगेन क्लास बैटिंग, ही इज वेरी गुड ऑन पिकिंग लेंथ, और एक ये और एक कप्तान छाना का थोड़ा बहुत इज्जतदार बैटिंग जो हम कह सकते हैं कर ली। बाकी तो न्यूजीलैंड यार इतना कंप्लीट यूनिट मैंने आज तक नहीं देखा, मतलब चुपचाप अपना काम करके निकल जाते, 4 ओवर 13 रन 4 विकेट टेस्ट मैच चल रहा था, 4 ओवर 12 रन 1 विकेट टेस्ट मैच चल रहा था, 4 ओवर 21 रन 2 विकेट टेस्ट मैच चल रहा था, टेस्ट मैच ही चल रहा था मेरे हिसाब से, तो 5 ही बॉलर खिलाने इन्होंने यार फहाद पर, सबको अपना रोल बहुत क्लियर है आई थिंक सो इस बॉलिंग लाइनअप में, खासकर बहुत ही इफेक्टिव बॉलिंग लाइनअप है ऐसी, अगर इनमें से 3 भी चल जाते हैं, और जैसे अगर लॉकी फर्गसन को थोड़ी पड़ी है लाइक 8.75, अगर आप अगर बाकी 4 देखें स्टोडी, सैंडर, सऊदी, ट्रेंट बोल्ट, तो सब चले हैं ऑलमोस्ट, तो बहुत ही अंडररेटेड तो नहीं, सारे नामवर प्लेयर हैं, मगर इतना से लगता है कि अंडररेटेड बॉलिंग अटैक है, कोई इनकी बात नहीं करता, लोग बात करते हैं रबाडा, नॉर्किया, एंगिडी की, लोग बात करते हैं शाहीन रोहित, वसीम की, कोई बात नहीं करता कि ट्रेंट बॉल, सिम, टिम सऊदी और ये जो इनका बॉलिंग अटैक है, हाइप नहीं है इनकी, मगर आते हैं आराम से काम करके चले जाते हैं, मैच जीत जाते हैं, इनका यही है। तो ये लो टोटल्स भी डिफेंड कर चुके हैं, तो 167 इनके लिए मेरे ख्याल से कुछ नहीं था, अगर 145 भी होता तो मेरे ख्याल से इट वॉज मोर, बहुत ही ठीक था, तो इनका बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा है। वर्ल्ड कप में आके तो न्यूजीलैंड की लॉरी हो जाती है, तो हमने वैसे पहले भी देखा, पिछले 4 वर्ल्ड कप उठा के देख लें, 4ों के फाइनलिस्ट हैं, तो हाँ बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा है। अग्रीड, और आइए अब सूरत हाल देखते हैं जी पॉइंट्स टेबल ग्रुप ए का, फिर हम बात करेंगे आज ग्रुप बी के जो मैच होने हैं, ये आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। देखिए न्यूजीलैंड ने तो अपना टिकट कटा लिया जैसे हर बार कटाती है, अब वो तो पहुंच गई जी सेमीफाइनल में, फहाद फेयर टू से न्यूजीलैंड मुबशीर, थैंक यू फॉर व्यूइंग, यार मैं लैपटॉप से लाइव करता हूँ
कभी कभी मोबाइल से जब लैपटॉप नहीं चलता। और अब मुझे पता है मुबशिर आप पाकिस्तान से हैं और आप भी देख रहे होंगे कल के 3 मैच बहुत बहुत क्लोजली। फहाद भाई आप बता दें आप कहाँ से हैं पाकिस्तान में, एक्चुअली हम इंट्रोड्यूस कराना भूल गए आपको। मैं कराची से, मैं कराची से हैं और कराची किंग्स को सपोर्ट करते हैं कि कोई और ही फ्रेंचाइज है आपकी? पीएसएल, कराची। कराची किंग्स। ओके नाइस, बाबर की फ्रेंचाइज है। अगर बाबर कहीं और चले भी जाता है, जैसे अगर लाहौर पेशावर है तो पेशावर लाहौर, मतलब ऐसा नहीं है कि कराची किंग्स इसलिए सपोर्ट करते हैं कराची से। आई थिंक वो मोर ऑफ बाबर है। मुबशीर मैं लिंक डाल देता हूँ यार, अगर आपने आना एक मिनट, जिसने भी आना आ सकता है। मैं बाद में शॉर्ट एंड क्लिप्स डालना शुरू कर दिए हमने, तो ये सेग्रीगेट हो जाएगा और बाद में आपको क्लिप्स मिल जाएंगे। आइए जी पॉइंट्स टेबल पे जी, देखें चले गए हैं न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में, श्रीलंका का पत्ता कट फहाद, टूर्नामेंट से क्या लगता है? क्योंकि पत्ता कट अभी नहीं, क्योंकि अगर आप देखें नेट रन रेट को निकाल के, तो नेट रेट को डाल के, सॉरी, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया सेम ही है, तो पत्ता नहीं कटा। मगर अगर इनकी नेक्स्ट गेम्स किसके साथ हैं अगर एक देखें, मिनट एक मिनट एक मिनट जरा रुके, मैं ना वो वाला पॉइंट टेबल खोलता हूँ, अपना क्रिक बस ठीक वाला, उस पे आ है जा। 2 मिनट दे मुझे, ये रहा जी। हाँ जी, तो जी। हाँ 1 मिनट, जूम थोड़ा और हो जाएगा ग्रुप ए पे। हाँ हो गया, तो आपने श्रीलंका के गेम्स देखने श्रीलंका हैं। ये रे जी श्रीलंका के गेम्स, इंग्लैंड अफगानिस्तान और इंग्लैंड लास्ट गेम, बहुत मुश्किल गेम ये। अफगानिस्तान से तो चलो हो जाएगा, होना चाहिए, इतना कैच कह नहीं सकते, होना चाहिए। मगर इंग्लैंड से तो मुझे लग रहा है थोड़ा मुश्किल है। तो आप क्या, ये इनके 4 पॉइंट हो जाएंगे। और अगर ऑस्ट्रेलिया का आप उठा के देखें कौन सी गेम्स है, ऑस्ट्रेलिया का देखते हैं हम, आई थिंक आयरलैंड आयरलैंड, और हाँ पाकिस्तान, आयरलैंड तो एक है वो, हाँ अरे आयरलैंड हाँ, तो फिर तो पत्ता कट ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट, क्योंकि श्रीलंका का पत्ता कट और न्यूजीलैंड का पत्ता डिंग 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 पूरा साफ पूरा, वो तो पहुंच गए सा इंग्लैंड और आयरलैंड। चलिए इंग्लैंड से हार भी जाते हैं, फर्ज कर लेते हैं, तो नहीं है आयरलैंड से, तो आयरलैंड फोर्थ आयरलैंड जीत, से तो होपफुली दे हाँ विल विन। और हम अब चलते हैं जी।